ओके तो हे एवरीवन, माय नेम इज अक्षय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस बुक का नाम है ब्लैक बुक। ये खास करके इंग्लिश वोकैब के लिए बनाया गया है। और इसमें एक खास बात यह है कि एसएससी में जितने पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वोकैब जो पूछे गए हैं, वो सारे चीज को बेहतरीन तरीके से अरेंज करके इस बुक में दिया गया है। ठीक है, अगर आप एक नजर यहां डालोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज तो है। एक्स्ट्रा में जो आपको मिलने वाला है वो है हिंदू का वोकैब, प्लस में स्पेशल वर्ड लिस्ट, रूट वर्ड, और साथ में साथ आपको एक बेहतरीन सब प्रैक्टिस सेट, और वो भी एक दो नहीं 100+ प्रैक्टिस सेट है, ताकि आपका बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। तो ये बुक कंप्लीट बुक है वोकैब के लिए। आइए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या है, इस बुक के और खूबियों को देखते हैं और उन खूबियों से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक है, ओके, तो आ जाओ आप बुक को ओपन करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर बुक का कंटेंट दिया है कि इस बुक में क्या है आखिर, तो आज एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस बुक को बेसिकली तीन पार्ट में बांटा गया है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, और फिर आइडियम्स फ्रेजेस है, फिर साइनो एंटो है, फिर स्पेलिंग है। सेक्शन टू में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर का जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। फिर सेक्शन थर्ड में तुम्हें स्पेशल वर्ड्स मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब मिल जाएगा। फिर यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, लिस्ट ऑफ फेविया, लिस्ट ऑफ मेनिया, लिस्ट ऑफ फाइल, ये सब चीज। ठीक है, तो ये चीज मिल जाएगा सेक्शन थर्ड में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर तुम देखोगे बड़े ध्यान से, तो पार्ट ए में भी चार पार्ट है। जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या किया गया कि वो सारे वोकैब को दिया गया है जो पहले एसएससी पूछ चुका है। ठीक है, फरवरी से पहले जितना भी वोकैब था ओडब्ल्यूएस, वो जो भी पूछा है वो यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में क्या किया गया है, टॉप 200 ओडब्ल्यूएस आरटीन एसएससी एग्जाम, जो दम मोस्ट रिपीटेड, जो 5-6 बार लगातार पूछा है एक ही वोकैब को, ठीक है, वो यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर थर्ड में आओगे तो जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है एसएससी के द्वारा, वहां पर जो वोकैब पूछा गया, जो ओडब्ल्यूएस पूछा गया, वो यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और सबसे लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 30 सेट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपको रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, सिमिलरली सारा में दिया गया, आइडियम्स फ्रेजेस में भी वही है, साइनो एंटो, स्पेलिंग। ठीक है, तो यही चीज है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख सकते हो पार्ट ए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो अगर नहीं पता है तो यहाँ से तुम पढ़ के पता कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब बेसिकली डेफिनेशन दिया गया है कि आखिर होता क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ से ओडब्ल्यूएस स्टार्ट हो जाता है पूरा। यहाँ पर कुछ बेसिक फीचर तुम कह सकते हो कि क्या है वो, देखो यार यहाँ पर लिखा हुआ है 3-4-6। यहाँ पर ये 3-4-6 ये लिखा हुआ है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इतना टाइम्स पूछा गया एग्जाम में। मतलब तुम एक देखो, यहाँ पर 6 बार पूछा गया इस वर्ड को एबडिकेट एसएससी के द्वारा। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, इसको क्या कहते हैं, एबडिकेट कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, उसके लिए देखो हिंदी भी दिया गया है कि अपना पद छोड़ देना। तो यहाँ पर यार दो चीज है कि एक तो हमें यह भी पता चल जा रहा है कि वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरी चीज ये पता चल रहा है कि भाई हिंदी भी दिया हुआ है, हमें कोई गूगल ट्रांसलेट और वो सब चीज का यूज करने का जरूरत नहीं है। अदर बुक में क्या होता है यार कि इसका ये है, इसका ये है, इंग्लिश हिंदी जो है वो नहीं देता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, गूगल ट्रांसलेट से पहले उसका इस मतलब का हिंदी ढूंढो और फिर यहाँ पर लिखो वो चीज। लेकिन इस बुक में आपको क्या मिल रहा है कि आपको वहीं पास बगल में हिंदी लिखा हुआ है, तो ये काफी इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से तुम देख सकते हो सारा दिया हुआ है। फिर उसी तरह आगे बढ़ोगे, तो यहां पर देख सकते हो 1638 यानी 1638 ओडब्ल्यूएस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। अब यहां से क्या होता है, 200 मोस्ट रिपीटेड ओडब्ल्यूएस इन एसएससी एग्जाम, जो एसएससी एग्जाम में जो एकदम रिपीटेड है, जैसे कि पहला देखो 15 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास एग्जाम वाइज ओडब्ल्यूएस आरटीएन रिसेंट एग्जाम्स मिल जाएगा। इससे क्या है कि जो हाल में पूछा गया है रिसेंटली एग्जाम एसएससी के द्वारा, जो भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पास इंक्लूड कर दिया गया। जैसे कि एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, फिर 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पास इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास तुम्हें प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पास प्रैक्टिस सेट 30 प्रैक्टिस सेट है, मैं ऑलरेडी बता दिया था। तो यहाँ पास हर एक सेट में 10 क्वेश्चन है और 10 का आंसर की भी दे दिया है नीचे ही। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा, आप यहाँ बनाओ या आप चीटिंग भी कर लो। ठीक है, पार्ट बी, पार्ट बी में आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे जिसे बोलते हो। आगे बढ़ेंगे तो पार्ट सी आ गया, साइनो एंटो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख सकते हो यार कि 13 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अबंडेंट का मतलब अबंडेंट का सिनोनिम एंटोनिम, समझ रहे हो, 13 बार, 11 बार, 10 बार, 10 बार, ये सब चीज तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह। ओके, तो यहाँ पर पार्ट डी आ जाएगा, पार्ट डी में स्पेलिंग है। ठीक है, स्पेलिंग क्या, वो जो आता है ना क्वेश्चन कि कौन सा सही स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पास दिया हुआ है। और जो
बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है ना मेरे भाई, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको एक बार ट्राई कर लेना, अगर आप ये परचेज करते हो बुक तो उसको जरूर एक दो बार लिख लेना, ठीक है। तो ये सब चीज से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, और ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं मेरे भाई, सही कहें तो। अब यहाँ बस देख सकते हो 1000 वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हिंदू न्यूज़पेपर से 1000 वोकैब दिया गया जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो होमोनिम्स वगैरह है, फिर फेजल वर्ब है, फिर लिस्ट ऑफ फोविया मेनिया वाला आ जाएगा, फिर जो स्पेशल वर्ड्स थे वो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम आगे बढ़ोगे, सबसे लास्ट में रूट वर्ड भी दिया हुआ है सफिक्स प्रीफिक्स करके, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कोई किसी का भी मीनिंग वगैरह निकालने के लिए। तो ये चीज रहा, ओके okay, तो ये रहा इस बुक का कंप्लीट रिव्यू। और जाते जाते दो बातें बताना चाहता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना, कि क्या ये बुक परचेज करना चाहिए या नहीं। तो सबसे सिंपल सा आंसर है यार, कि अगर आप इस बुक को देखो यार, है तो ये काफी मोटा, तुम देखोगे तो काफी मोटा है, लेकिन अगर तुम हर एक वोकैब को अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से करने का मतलब है कि आप हर एक वोकैब को एग्जाम्पल के साथ कर लेते हो, तो जीवन में आपको कभी भी वोकैब का तो चिंता नहीं होने वाला, ये तुम गारंटी ले सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से, इन माई ओपिनियन, दैट दिस बुक इज द बेस्ट बुक फॉर वोकैब, ओके। सो सेकेंड चीज, इसका MRP क्या है। तो यहाँ पास आओगे तो देख सकते हो यहाँ पास 399 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे शॉप से 280 रुपीज में मैं खरीदा हूँ। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, कहीं 300 के आसपास ही मिल रहा है ऑनलाइन भी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तब तक के लिए यहीं पास वीडियो को समाप्त करते हैं, खाते पीते रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।